माशाल्लाह ये देखें मेरा स्टॉल, और अब ये रह गया है हमारा थोड़ा सा काम, ठीक है। और तरबूज भी ये थोड़े से, इन्होंने कह के मुझसे प्याज भी कटवा लिए और ऊपर धनिया भी डल रहे हैं। सैलड में जो प्याज, धनिया, लेमन, ऊपर से काली मिर्च, हल्का सा नमक ना छिड़का हो तो वो सैलड कहाँ से होता है। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। बस ना ये गर्मी आ गई ना तो ये दाना निकला और वो देखने लगी थी ना। तो जी इस वक्त जो है ना मैं किचन में खड़ी हूँ और व्लॉग बना रही हूँ। और क्या कर रही हूँ, मैंने अभी सालन गर्म किया है क्योंकि मियाँ साहब आ चुके हैं, उनको खाना वगैरह देना है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो अपनी वीडियो स्टार्ट कर लो। आज सुबह से ना बिज़ी थी, आपने कहा ना रोज़ ही कहती है मैं बिज़ी हूँ। तो क्या करें भाई, हाउस वाइफ बिज़ी ही होती हैं। और तो मैं सुबह से मशीन लगाई थी, कपड़े धोए हैं और अभी जो है ना किचन में काम कर रही हूँ। अभी किचन का टाइम था तो अभी सैलड बनाने लगी हूँ। मैंने निकाला है टमाटर, खीरा और तार, और साथ में लेमन। और अभी जो है ना मैं इनके लिए स्पेशल साथ जो है ना सैलड बनाती हूँ, जो ये शौक से खाते हैं, और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये सैलड जो है ना कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप लोगों से ना मैं गुजारिश कर दूँ कि जो लोग जो है ना मेरे वीडियो पर नए हैं तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आपको वीडियो है ना वो सबसे पहले मिलती रहे। तो जी दूसरा काम आप ये कर लें कि मेरी वीडियो को फुल देखें। काइंडली आप लोगों से मेरी बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि बंदा क्या इतने यार इतना रिक्वेस्ट करे ना तो बंदा मान ही लेता है बात। तो काइंडली आप भी मेरी बात मान ही लें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि मेरा वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ना पैनिक हो गई हूँ, बहुत ही परेशान हो गई हूँ क्योंकि मेरा 1 ईयर कम्प्लीट हो गया है और मुझे अब YouTube की तरफ से ना बहुत ही डिसहार्ट होने वाली फीलिंग जो है ना वो आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो रही हूँ मैं। वो क्यों हो रही हूँ वो भी आप लोगों से नेक्स्ट जाते शेयर करती जाऊँगी कि मैं क्यों डिसहार्ट हो रही हूँ। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी मेरी सपोर्ट कर दें, हेल्प कर दें। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सैलड जो है बना रही हूँ, तो वो मैं कैसे बनाती हूँ। पहले मैं ना ये बना ही लूँ क्योंकि ये 4 चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी है ना, क्योंकि काटना है तो मैं एक हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ सकती, तो इसलिए पहले मैं काट लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सैलड काट लिया है और इसके ऊपर अभी मैं डालने लगी हूँ, दिखाती हूँ अभी आपको मैं इस पर क्या डालने लगी हूँ। चुटकी भर सा है ये जी नमक, और चुटकी भर ही मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च। इसको अब मिक्स करेंगे हम। ये देखिए जी इसमें ये मेरे मियाँ साहब को बहुत ही पसंद है सैलड। अगर आप इसमें चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का होता है ये सैलड, क्योंकि दोपहर में खाना खाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो, चटनी हो। अच्छा ये चीज़ है कि अगर चटनी अकेली भी हो ना, जो मैंने आपसे शेयर की थी, उसके साथ ये सैलड हो फिर भी बहुत मज़ा आएगा रोटी खाने का। तो हाँ जी अच्छा जी नहा के निकल आइए। हैं क्या लग रही है बात, सर्दी लग रही थी, ये बटन यहाँ से बंद होना है, आपको बटन नहीं बंद किया पीछे से। चल देखिए मैंने सोए उठाया है तो साथ में ना मुंह पे 12 बज गए हैं और देर ना दिन बस अब मम्मा हाँ जी गोली बनाई गोली अच्छा। तो अभी रोटी खाने लगी और देखिए सैलड हमारा, इन्होंने कह के मुझसे प्याज भी कटवा लिए और ऊपर धनिया भी डल रहा है। सैलड में तो प्याज, धनिया, लेमन, ऊपर से काली मिर्च, हल्का सा नमक ना छिड़का हो तो वो सैलड कहाँ से होता है ये बताओ। हाँ जी सही बात है, सही कह रहे हैं आप। तो धनिया का वाकई भी टेस्ट मुझे खुद को बहुत पसंद है, लेकिन बस मैं भूल गई थी डालना, इन्होंने याद करवा दिया और मैंने डाल दिया। अभी हम मैं भी खाना खा लूँ उसके बाद आप लोगों से।
आपको मैं बता रहा हूँ आपने कैसे इसको बनाना है। ये जो आप ले हैं ब्राउन कलर है, इसको आपने बंडियों के साथ खेल रहे हैं उनको ना कह रहे हैं इसका फ्लैग बनाओ। ये रेड आ गया अर्थ, अर्थ मैंने अर्थ रेड होता है, हमने रेड को ले लिया ना एक फॉर एग्जांपल ले थिंक कर लो। अच्छा जी थिंक करें, आज अर्थ हमारी रेड है। अभी ये हमने लेकर के आ रहे हो ये पता नहीं क्या बनेगा ये मुझे खुद नहीं पता क्या बनेगा। क्या बनेगा? अच्छा जी फ्लैग बनेगा। ये कौन सी कंट्री का फ्लैग बनेगा? ये कलर कंट्री का। कलर कौन सी कंट्री है? ये हुदा कंट्री। हुदा हुदा की कंट्री लगा। हाँ जी ये हुदा की कंट्री। हुदा के घर का फ्लैग है हुदा, है ना हुदा? अब इसको फिर खाना नहीं है। हाँ कहती हूँ हाँ। देखो बन रहा है ये फ्लैग बन रहा है। हाँ लाइन बन रही है। मेरी मुझे ना जुकाम हुआ हुआ है, तबीयत थोड़ी मेरी अपसेट हो रही है। अब आप सू करके दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे भी हुआ हुआ है ना। मैं तो ऑलरेडी पूरे एक महीने से एक महीना कठाई एक महीने से मैं कोई जुकाम है। जब से आपने ये स्टार्ट किया था ना, ये कलर किया था घर में, उस दिन से है स्टार्ट हुआ आपके, ठीक है? तो उसको भी 15 दिन हुए हैं, 15 दिन भी नहीं हुए, 13 दिन है। लो जी फ्लैग बन गया। ये देखें जी कीनिया ब्राजील और हम उसको क्या कहते हैं एथोपिया एंड ग्रीस एंड अफ्रीका। ओह ऐसे करके नया फ्लैग पता नहीं क्या बनेगा आज। दोनों बाप बेटी मिलके क्या बनाते हुए कुछ पता नहीं है, कुछ नया इजाद करने लगी हैं। हादिया तो मेरी तरफ देख रही है, हादिया कहती है कि मामा क्या कर रही है। हादिया बंटी निकाल रही है पापा की चीज़ के साथ, देखो जी जरा पुठे ही काम है इन्होंने हैं। और ये इन्होंने जी इनको तरीका बताया है खुदा को। ये इन्होंने ऐसा दरअसल क्यों किया, क्योंकि खुदा ने कोई सर्कल सा बनाया हुआ था, इनका ना हाथ लग के वो हिल गया, तो फिर अब उसको जो है ना उसका मूड खराब हो गया था हुदा का। फिर ये लो जी फ्लैग, ये आ गई आपकी मिक्स कलर वाली अर्थ, ये ब्राउन स्टिक और ये फ्लैग। अभी मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर आए हैं अचानक से मेहमान, और मेहमान लेके आए हैं आड़ू और साथ में लोकाट। लोकाट वैसे तो हमने खा के नहीं कर ली थी, और अब फिर से आ गई है। मेहमान कौन आए हमारे घर? मेहमान कौन है? अस्सलाम वालेकुम भाई। ये आए हैं भाई, और साथ में कौन आया? शकीला। आवाज ही काफी है बंदे की। जी मेहमान हमारे चले गए हैं, और बच्चे जो हैं वो अब खेलने लग गए हैं कमरे में। हादिया हो हिबा को लेके बाहर आ जाओ, उसको पैंपर नहीं लगा, वो शेयर कर देगी बेड पे। बाहर आ जाओ बाहर। बहुत शरारती हो गई है ये छोटी सी बच्ची। ओ गिर गई वो, देखो गिर भी गई वो, देखो। ये नमाज पढ़ रहे हैं इधर, इसलिए ये अंदर आ गए हैं क्योंकि लाइट इन्होंने चलाई है आके। तो अभी जो है वो फिलहाल यही रूटीन है हमारी भी, बच्चों का पढ़ने का टाइम है और मेरा पढ़ने का टाइम है। चलो बुक्स लेके बैठो, मैंने आप लोगों को बोला था होमवर्क लिखो। चलो भाई आओ शाबाश, जल्दी करो जल्दी जल्दी आओ जल्दी भाई, उधर चटाई बिछाओ और चटाई बिछा के फिर बैठ के पढ़ो। चलो चलो शाबाश, शिबा भी आपके पास बैठ जाएगी वहाँ पे। हुदा मैं आपको कह रही हूँ होमवर्क लिखो बाहर बैठ के, दोनों को कह रही हूँ, आजा को भी कह रही हूँ, आजा आप भी उठो। चलो शाबाश, आप लोग दोनों चलोगी तो वो आपके पीछे बाहर आ जाएगी।
चलो चलो शाबाश, उठो उधर बाहर आओ। हाँ जी भाई बाहर आएगी, उठो चलो। वो ग्लव्स भूल गए अपने भाई, भाई हम अपने ग्लव्स भूल गए। चलो हाँ हिबा आप भी आ जाओ, चलो आज उठो उधर उठ गई है। चलो शाबाश, उठो उठो, चलो हिबा आप भी आ जाओ, हम जा रहे हैं बाहर। वो देखो आगे कितनी जल्दी उसने मेरी बात मानी है, देखो जरा छोटी सी बच्ची है ना, वो जल्दी से बात मान लेती है। हाँ बाय, चलो बाय, चलो। क्या हुआ, कहाँ जा रहा था आपने? किचन भी हमने फर्क कर दिया है। ये कहाँ से मिला? चटाई वो पड़ी, चटाई वो देखो पड़ी, की करनी प्लेट जल्दी लेकर आओ, चटाई उधर बिछा के बैठो। टोपी नीचे गिर गई, उसे मम्मी को प्लेट पकड़ो। मैंने ऊपर कपड़े धो के फैलाए हुए थे, अब तक वो ड्राई हो चुके हैं, अभी वो भी उतारने जाना है नीचे। चलो चटाई लेकर आओ शाबाश जल्दी से। ये बन गई हैं, ये बन गए हैं रोल, क्योंकि रोल खत्म हुए हुए थे तो उनसे पूछते हैं रोल लेके जाने। ये रोल लेके जाने हैं, आपने पैक कर दो, रोल नहीं थे आज अबू कह रहे। चलो जी इन्होंने पैक करिए, रोल पैक कर दे। माशाल्लाह ये देखे मेरा स्टॉल, और अब ये रह गया है हमारा थोड़ा सा काम, ठीक है। और तरबूज भी ये थोड़े से रह गए हैं, ये हमारा सब्ज मंडी भी, ये जो मोबाइलों का काउंटर है ना वो भी सब्जी का काउंटर बना हुआ है, मोबाइलों का लग ही नहीं रहा, ठीक है। ये बैठा हूँ मैं जो आप लोगों से बात करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अपना जी, मैं आ गया। वीडियो स्टॉप की थी क्योंकि कस्टमर आ गए थे, तो लिहाजा इसलिए मुझे स्टॉप करनी पड़ी वीडियो। जी क्या लगा, कुछ नहीं अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बिजी हूँ सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि कंटिन्यू कोई ना कोई काम पे लगा रहता है। वो यार आप बॉलिंग कर रहे हो, देख ले यार मुझे जानबूझ के छेड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम इनसे बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और हाँ इतना बिजी है कि अभी ना काम को थोड़ा बढ़ाना पड़ रहा है कि यार कि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मकदार में लेकर आएँ, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करें, कि कस्टमर है ना वापस रिटर्न हो रहे हैं, और क्योंकि इनको बहुत सारे कस्टमर को पता चल चुका है यार ये शॉप है, ये इसका अच्छा है व्यवहार है, ये वो देखा जैसे आपने शॉप का, और यहाँ तक देखा कि आपने मोबाइल का, मेरे मोबाइल काउंटर का, मोबाइल के काउंटर को मैंने अभी तक मोबाइल के काउंटर में सामान नहीं रखा, डिस्प्ले नहीं किया उसको, उसमें सिर्फ वेजिटेबल ही डिस्प्ले हो रही है, वेजिटेबल ही रखी हुई है। तो अभी फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे मिसेस के जी आप जल्दी से जो आपके मोबाइल में वीडियोज़ है वो वीडियोज़ भेज दें, मैं रिकॉर्डिंग कर दूँ, रिकॉर्डिंग करके वो एडिटिंग कर दें, एडिटिंग करके उसको डाउनलोड में डाल दूँ। और इतना टाइम है कि टाइम नहीं मिल पा रहा, कि अभी देख लें आज छोटी आई थी घर पे, वो थोड़ा से थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए भी बैठ नहीं पाया, यहाँ तक नहीं है टाइम मिल पा रहा कि मेरे पाँव में मोच आई हुई है, तो उनके पाँव के ऊपर मैं कुछ बाम वगैरह या गर्म पट्टी वगैरह कुछ कर लगा सकूँ, कुछ भी बैठ सकूँ, नहीं इतना टाइम नहीं हो रहा, खाने का, नहाने का, धोने का, और हाँ सबसे ज़रूरी बात यार नमाज़ पढ़ने का टाइम भी नहीं हो रहा। अभी मैं गया था नसर के टाइम पर घर में, जल्दी से नहाया, कपड़े चेंज के, नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ के मैं जल्दी से पैक करके आया दुकान पर आया, क्योंकि दुकान का भी मुझे समझ आ चुकी है यहाँ पर कि सुबह के जो है दो ढाई घंटे सुबह के जो है फिक्स है, और शाम के दो ढाई घंटे है जो फिक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि रश होता है, और रश नहीं कह लो, इक्का दुक्का जल्दी 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 दो तीन ऐसे आना जाना लगा रहता है कस्टमर का, वन बाय वन पे यानी कि चल रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, और बहुत ही कम वक्त में यानी कि ये चीज़ को मैंने कवर अप किया है, अपना एतमाद बनाया और अपनी दुकानदारी को लेकर आया और दिखाया सबको,
ठीक है कि मैं काम कर सकता हूँ, और कैसा कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, काम काम ही होता है कोई भी हो तो। और बहुत कुछ थे बातें करने के लिए ऑडियंस के साथ, मैंने बहुत कुछ बताया था कि जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपसे बात करूँगा, आई विल टॉक अबाउट माई लाइफ, ठीक है, कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूँगा आपके लोगों से, कि मेरी यानी कि बचपन से यंग से आप देखो एक मैच्योर लाइफ जा रहा हूँ, जैसे कि बच्चों के साथ और फैमिली के साथ। अभी थोड़ी सी टेंशन है, सिस्टर की तरफ से थोड़ी सी टेंशन है, जैसे एक सिस्टर है उसमें हैप्पीनेस आ रही है और एक सिस्टर है जिसमें थोड़ी सी अनहैप्पीनेस है। और ऐसे ही आपको पता कि माशाल्लाह 3 दिन बेटी हैं, उनके भी फिर यार नसीबों से कुछ ना कुछ ऐसे फील होता है कि यार ये क्या करें क्या नहीं। बाकी अल्लाह पाक से दुआ यही करते हैं कि अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करें, और अल्लाह पाक उनको जो उनका हम सफ़र है उनको समझने वाला और उनको समझाने वाला मिले। बस इसलिए मैं खुद यानी कि 3 बेटियों का बाप हूँ, तो मैं भी ये फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। और अब देखेंगे, फैमिली में बैठेंगे, बात करेंगे आपस में, क्या हम डिसीज़न लेते हैं, क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते, ठीक है। तो देखिए हंस रहे होते हैं जी बेटा जी, 10 का धनिया दे दूँ। देखो जी ये हर टाइम मेरे से लड़ता रहता है, धनिया के मामले में, कभी चिप्स के मामले में, कभी रोल के मामले में, हाँ देख ले सुन ले आप, मैं इससे नाराज़ होता हूँ, मैं तो किसी से भी नाराज़ नहीं होता, आई एम हैप्पी मैन। चलो जी 10 का धनिया दो, 10 इसको बाकी दो, और ये अपने काम पे लगे और हम आपसे बात करते रहेंगे बाद में। अच्छा जी मैंने देखो उसको तो दे दिया फ्लावर बना कर, देखे धनिया का कैसे, धनिया दिखाओ फ्लावर कैसे बनाए, वाह अच्छा लग रहा है ना। अच्छा जी ये आई है गुड़िया, खीरे 20 के और धनिया 10 का, वाह आपकी तो लॉटरी निकलाई, आप जीतेंगे, बाद में आपसे बात करेंगे। हाँ जी अभी जो गुड़िया आई थी उसको दे दिया मैंने सामान, धनिया और खीरा, और वो उसको धनिया ये वो सब कुछ दे दिया है। अभी ये आया है छोटू, चिप्स लेने आया है, और बाकी बातें आपसे करेंगे इंशाल्लाह रात में फ्री होकर। तो जी अभी हो चुकी है शाम, और मैंने कुछ पढ़ लिया है थोड़ा सा, और अभी था मैंने आटा गूंदना, अभी तो मैंने आटा जो है वो छान लिया है, मैं आटा गूंदने लगी हूँ, और अब रात के खाने की तैयारी शुरू हो जानी है, क्योंकि गैस आपको पता है, पता नहीं लोडशेडिंग की वजह से अब गैस का मसला हल नहीं, कब होगा या नहीं होगा, खैर ये तो अब सबका ही मसला है। तो अभी मैं आटा गूंदने लगी हूँ, और आप लोगों से मैं अब लेती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जी अब नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।